ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में वीकेंड पर रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की ओर आने वाले सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। सभी प्रमुख मार्गों पर जाम में फंसे वाहनों की कतार लगी हुई थी, लेकिन भीड़ के चलते मंदिर प्रबंधन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिखाई दे रही थी। धर्मनगरी वृंदावन में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। वीकेंड पर रविवार को भीड़ के कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ का सर्वाधिक दबाव विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की ओर था, जहां हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए भीड़ की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहा था। शहर का छठीकरा मार्ग हो या फिर मथुरा मार्ग, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे थे। हरि निकुंज चौराहा एवं विद्यापीठ चौराहा से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी। भीड़ के चलते दूर दूर तक पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे। भीड़ में कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने लगी, वहीं कई लोग बेहोश भी हुए, जिन्हें पुलिस द्वारा भीड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ग्वालियर से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर की ओर भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि वह एवं उनके साथी ठाकुर जी के बिना दर्शन किए ही यहीं से उन्हें नमन करते हुए वापस लौट रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया, कहा कि मंदिर में धार्मिक आस्था और भावना के साथ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। एक अन्य श्रद्धालु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जाने की मांग की। पर यहाँ से विगत एक साल से मैं आ रहा हूँ लगातार, यहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पब्लिक आम जनता बहुत परेशान है और इस परेशानी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि समस्या का समाधान अति शीघ्र करवाएं, क्योंकि जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, विशेषकर महिलाएं जो आज ही इस भीड़ में फंसी हुई थी, उनको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ आ रहे हैं, पर व्यवस्था नहीं है। पब्लिक ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो आप इस व्यवस्था को स्वयं देखें और निर्देश प्रदान करें अति शीघ्र। आज बिहारी दर्शन करने आए, आप दर्शन हुआ? करने आया था, दर्शन किए मैंने, दो घंटे करीबन लगे हैं और आने जाने की रास्ता सही नहीं है, तो मेरा निवेदन है, बताया जाता है, प्रशासन से निवेदन है। भीड़ में कई लोग बेहोश हो गए, जेबें भी कट रही है, बच्चे रो रहे, जेबें कट रही है और बेहोश भी हुए हैं, तो इस व्यवस्था को देखें और मेरा अनुरोध है प्रशासन से, जो भी जिला कलेक्टर है वो जरूर इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। जाम की समस्या के लिए प्रशासन ने कई बार तमाम उपाय सोचे, विकल्प निकाले, लेकिन सारे विकल्प ध्वस्त हो गए उनके। आज भी ये स्थिति है चारों साइड में वृंदावन में, हर ओर हर सड़क पर हर गली के अंदर जाम लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जाम है वाहनों का, ई रिक्शाओं का, एक आदमी पैदल तक नहीं निकल पा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अंदर कहीं शक्ल नहीं दिख रही किसी की भी, क्योंकि ये लोग चालान काटने की आड़ में हजार 500 रुपये वसूलने के लिए केवल 100 फुटा प्रेम मंदिर पर ही पूरा दंगल रहता है ट्रैफिक पुलिस विभाग का। किसी भी चौराहे पर कोई नजर नहीं आएगा, न सिविल पुलिस वाला नजर आता है। सिविल पुलिस वाले जो है वो सिर्फ अवैध कमाई में मशगूल रहते हैं। फोटो खींचा, अधिकारियों को दिखा दिया, लोकेशन दे दी, उसके बाद नजर कोई मतलब नहीं किसी जी। सभी चौराहे पर पुलिस भी लगाया गया है। चौराहे पर जो पुलिस फोर्स लगी है, ये सिर्फ व्यवस्था बनाने की आड़ में शारीरिक उत्पल है दर्शनार्थियों का, दर्शनार्थियों को दर्शनों से वंचित करना है और कोई विकल्प नहीं है इन लोगों का। आज जैसे जो भीड़ की स्थिति है, सुबह 5:30 बजे से लाइन लगी है, बीच बीच में उस लाइन को ध्वस्त भी कर दिया, पब्लिक बैरियर के बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर भी प्रवेश कर गई, लेकिन नहीं संभाल पाई। पुलिस सिर्फ नीचे तबके हैं, छोटे लोगों को ही, पब्लिक के बड़े नागरिक जो है उनको आउटसाइड से लगा रही है, साधारण व्यक्ति को लाइन लगाई है, स्थानीय लोग हैं उनकी गाड़ी बाइक मोटरसाइकिल, ये पहले से आदेश को जारी नहीं है। मंदिर की व्यवस्था जो बनाई गई है, ये व्यवस्था कैसी है जो कि किसी बड़े हादसे को न्योता देने को तत्पर बैठ रही है।